गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहे करीबन 8:30, और आज ना मौसम बड़ा ख़राब हो गया फिर से। मौसम का वाकई में पता नहीं रहता देहरादून के कि क्या हो जाए क्या नहीं। ये यहाँ पे ना सुबह सुबह लहसुन खाती है खाली पेट। ये मेरा रहा दिन की शुरुआत, एक लहसुन और एक गिलास मुरे के पानी के साथ। तो ये लहसुन है ना, लगभग मैं 1-1.5 महीना हो गया होगा खा रही हो। ठीक तो, है ना जब से। हाँ, गैस की दिक्कत हो गई। तो इधर नाश्ता वास्ता बनाएगी अभी है। और मौसम फिर आज फिर बिगड़ गया, मौसम हो गया कुछ ऐसा। वहां से धूप निकलने की कोशिश तो कर रही है, बादल बहुत हो रहे हैं। इधर केले का पेड़ भी है, तो देखते कैसा रहता आज मौसम। तो नाश्ता भी आ गया है और शिवा भी उठी है। अच्छा, वहाँ है मम्मा बाथरूम में। आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। तो करते हैं हम नाश्ता। शिवा आप भी करोगे नाश्ता? हैं, नाश्ता करोगे? इसके ना कल रात को बेचैन सा हो रहा था, मतलब गले में खरखरसी हो रही थी छाती में। फिर इसके विक्स लगाई हमने, हाँ, फिर थोड़ा सो गया था। ये कैप ढूंढो अपनी, कैप कहाँ है? कैप देखो कहाँ है कैप? वहाँ थोड़ी है कैप। कहाँ है कैप? कैप अंदर ढूंढ रहा। तो इसकी तो कैप मिल ली थी, और इसने पहले अपनी मम्मा की ऐप। मम्मा को दिखा दो कैप। मम्मा कहाँ है? आ रही है, अभी आ रही है। दिखा दे मम्मा को, दिखा दे। आ रही है, देख। पहनो शिवा कैप, पहनो। मम्मा की कैप। ये भी आ गई है अब। मम्मा की कैप पहन लो। इसको दिखा रखी है मैंने कैप पहन रखी, तेरी अब तू ले ले, है ना? पहन लो पहन लो। इसको रोटी खिला रही ना, तो इसके हाथ से थोड़ी खा रहा। बोल रहा मुझे दे पूरी फोल्ड करिए, तो और अपने आप खा रहा। अब मेरे हाथ से पता है थोड़ा भी नहीं खाता है। देख तो उसे, कभी इधर से खा रहा कभी इधर से खा रहा। देखो वो अपने आप पकड़ के अपने आप खाएगा। तो नहीं, नहीं। अरे इसे ना पता क्या है, इसे ना लगता है कि मैं अपने आप अपने आप सामान करूं, अपने आप खाऊं। सेल्फ बनेगा ये? नहीं, अपने आप होता है। वो कहता कहाँ है? जैसे तेरा भी है, तू भी सेल्फ वो है, मैं भी हूँ, खुद से ही करना है ना। ये भी ऐसे ही होता है ना। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं हो गया हूँ तैयार। बज रहे करीबन 9:30 बजने वाले हैं करीबन। और ये भी नहा ली है, शिवा भी तो उठ ही गया था अपना। थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। जुकाम सा हो रहा है ना? जुकाम सा हो रहा है इसको, देखते हैं। दवाई पिला दियो इसको एक बार। है दवाई तो पड़ी है। यारा बिस्किट पार्ले जी दे रही हूँ, खा नहीं रहा, पैकेट भी फड़वा दिया, ये दूसरा निकाल दिया, इसमें रखा हुआ है पार्ले जी, खा ही नहीं रहा, फेंक रहा बिस्किट। और मैंने करे हैं मतलब रखे हुए हैं छोले बॉईल होने के लिए, और बर्तन धुलने हैं अभी। तो गैस वगैरह साफ़ कर ली थी मैंने सुबह, कि मैं छोले रख लूँगी साफ़ करके ना। और 10:15 हो गया है, तो धूप हल्की हल्की आ ही रही है अभी भी, देखते हैं आ ही रही है वैसे तो। और नहाना वगैरह तो निपट गया था सुबह ही, मतलब जब तक सागर थे यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे ना बाल भी सेट कर दिए, तो सही से लग रहे हैं, अच्छे अच्छे से। तो अच्छे से ड्रायर वगैरह से कर दिया सेट, और फिलहाल काम करते हैं, काम ठीक ठाक से। मतलब ये बेड भी हो गया है, बस मैंने बिस्तर पूरा साफ़ करा, फिर से ना रजाई बिछा दी कि मैं शिवा को लेके ना बैठ जाऊँगी, क्योंकि इसकी ना थोड़ा तबीयत ठीक है, तो इसके साथ ना बेड पर ही बैठूँगी, ज़्यादा वैसे काम नहीं करूँगी आज। हैं, थू कर दो, कर दो।
बच्चों को भी ना पता नहीं मुंह से फाड़ रहा बिस्किट का पैकेट, दिखाती हूँ मैं, देखो मुंह से फाड़ दिया बिस्किट का पैकेट ही है। ये मुंह से सिट्टी आ रही ना, बोल रहा कि सिट्टी आ रही की कुकर की। तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, बस एक साइड से तो हो रहा है काम, दूसरे साइड से देखो पूरा ऐसे मैंने यहाँ पे साफ कर दिया था और इसको बिठाया, इसने पूरा पैकेट खोल के ऐसे फेंक दिया, और जो बिस्किट पहले दिया था ना खाने के लिए वो ये पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। हैं, उठाओ उनको, चलो किसमें उठाओगे, डब्बा देना पड़ेगा, इसमें रख लूँगी, देख रहे दे दे कि मेरे को डब्बे दे, मैं उठाऊँगी, ले उठाऊँगा कि लो उठाओ, चलो पकड़ो, क्या कौन सा डब्बा दूँ, कौन सा दूँ, कुछ और चाहिए, ले इसमें उठाओ, चलो जाओ बिस्किट उठाओ, चलो उठाओ, आजा आजा बिस्किट उठाएंगे, आओ आओ। मैं ना शिवा को ना इसलिए काम करवाती हूँ कि इसको आदत सी बनी रहे, भले ये ना करे ढंग से लेकिन थोड़ा बहुत ना बच्चे को बता दो ना कि ऐसे करना वैसे करना, तो क्या पता बड़े होके थोड़ा ठीक सा रहे, मतलब सोचते तो हैं पता नहीं क्या होगा, फिर आदत तो बनी रहती है फिर बच्चे की, सारे बिस्किट हमको खाने पड़ेंगे। इसमें डब्बे में भर दिए हैं मैंने फिलहाल, शिवा बोला मार रख दे, देख कहाँ रख दे, खड़े उठो बेटा, जुकाम जुकाम सा हो रहा, उठो खड़े उठो, क्यों क्यों करा आपने ऐसा, क्या किया आपने, दो पता क्या हुआ, मैंने गद्दा साफ करा ना इधर झाड़ा गद्दा, तो शिवा ने फटाफट दरी उठाने के लिए आ गया, दरी जो साफ थी तो मैंने दरी नहीं हटाई, वैसे ही पोछा नहीं लगाऊंगी आज, कल का साफ कर रखा पूरा घर अच्छे से ना, ये ज्यादा ही देखो छिक्के मार रहा, अब बिस्तर में बैठने का नाम नहीं ले रहा है, लगा दो 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 दो, चलो बिस्तर में बैठो, चलो चलो आओ। शिवा शिवा को ना मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, तो देख लो, हाँ देख लो वीडियो, ये ना मतलब जो हमारी आज अपलोड हो रखी वीडियो वो वाली देख रहा है, तो ये तसल्ली से अपनी वीडियो भी देखता है, और मैंने इस दरवाजे को बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से हवा ही ना बैठा हुआ है, तो देखता रहेगा लुकु करो लुकी करो करो लुकी लुकी, मम्मा कैसे करेगी लुकी और ना आज अभी काम हो गए हैं, छोले भी मैंने बॉयल कर दिए हैं, बाद में लगाऊंगी मतलब वो जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह का वो करके पेस्ट बना को बुबू बुबू बुबू। तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए, मेरे बाल अभी थोड़ा बहुत ठीक है, टोपी नहीं पहनी मैंने इसी वजह से कि बाल ना सेट से हो रखे हैं, और शिवा ना थोड़ा सा ना थोड़ा सा भी नहीं ठीक है, वैसे शिवा है ना, शिवा तो बहादुर बच्चा है वो ना, कभी पता है देहरादून का मौसम ऐसा है कभी ठंडा और कभी गर्म, कभी मौसम बदल जाता है, कभी गर्मी सी हो जाती है, जैसे दो दिन हुआ ना गर्मी गर्मी सी हो गई थी, आज थोड़ा बादल बादल से हो रहे हैं, फिर धूप हो रही, तो इस वजह से ना बच्चों की क्या बड़ों की भी तबीयत खराब हो जाती है मौसम चेंज की वजह से। तो शिवा ना कल रात को बहुत खर 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 सी आवाज़ आती है, सो नहीं पा रहा था, तो हमने पूरा विक्स मला इसके तब सोया ना, फिर सोया ना अच्छे से, नहीं माँ बोलो माँ माँ, शिवा ना मैंने शिवा को बोला शिवा मम्मा नहीं माँ बोलो, शिवा ना लगा हुआ था माँ माँ, उसमें मेरे हाथ में फोन ही नहीं था उसको चीजें ना मतलब कैमरे से ना मतलब छूट जाती है, सूट नहीं हो पाती है जो अच्छी अच्छी सी रहती है ना, तो शिवा ना माँ 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 लगा हुआ था, माँ बोलो सर मारा, माँ बोलो माँ बोलो बोलो। मैंने इसका सिर्फ अभी मैंने हाथ मुँह धुलाऊंगी, मैं अभी मैंने कुछ नहीं धुलाया, मैंने कहा थोड़ा ठंडा है ना फिर धुलाऊंगी इसको, माँ 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 बोलो माँ माँ बाय बाय कर रहा इसको ना, मैं आराम करवा रही कि इसकी तबीयत थोड़ा वैसी हो रखी, और वो भाग जा रहा बार बार, इसके वजह से ना मैं भी ना यहाँ बैठी हुई हूँ कि शिवा नीचे ना घूमता फिरे, जबकि मुझे अभी छोले बनाने हैं, लेकिन मैंने कहा छोड़ो छोड़ो कोई नहीं है, शिवू ओ शिवू ओ शिवू ओ शिवा शिवा कहाँ है,
वहां खिड़की पर लग गया। शिवा कहाँ है, शिवा कहाँ है, नीचे गिर गया। कहाँ हो आप, मम्मा का शिवा कहाँ है, बाहर देख रहा हूँ वहां से। डॉगी का चुकता कुछ को तो दो सिर पे लग गए मेरे घुटने से, यहाँ पे आई होगी तो ये ना ऊपर बैठा ही नहीं। कितने देर मतलब बैठे रहे हम, लगभग 12:15 बज गया, तो काफी देर बैठे रहे। तो मैं शिवा की ना मालिश वगैरह करूंगी, पानी गर्म हो रहा है इसके लिए। तो जब तक पानी गर्म होता है ना, मैं फटाफट से छोले उगा देती हूँ। देखो कितने अच्छे से बॉईल हो रखे हैं छोले ना, तो फटाफट से बना देती हूँ इनको। गैस में कढ़ाई रख दी है और मैंने प्याज कद्दूकस करा, और मेरी ना आफत आ गई, इतने आंसू आ गए और वो तो खेल रहा है। और टमाटर कसूंगी थोड़ी देर बाद, चल तेल वगैरह डाल के ना वो कर देती हूँ। कढ़ाई रख ली मैंने, कढ़ाई को ना बाद में या तो छोले इसमें डाल दूंगी या तो मसाला कुकर में डाल दूंगी, देखती हूँ। क्योंकि वो छोटा फ्राई पैन में ना पकड़ना ही पड़ता, कढ़ाई खुली हो जाती है ना मसाला तैयार करने के लिए, इसलिए मैंने कढ़ाई रख ली। मैंने ना शिवा को अच्छे से तैयार कर दिया है, मालिश करके सब है ना। हाँ, तो भी पहना दिया। आइए मैंने तेल ना इसकी ना वो जुखाम सर छाती वगैरह पे ना मैंने ये वाला तेल लगा लिया जो मैंने बनाया हुआ ना अपने लिए, क्योंकि वो ठीक रहता है, वो गर्म है वो तेल। वैसे मैं करती नहीं हूँ शिवा की, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत लगा लिया मैंने है ना, थोड़ा गर्माहट सी रहेगी ना उससे। चलो शिवू आओ, शूज पहनेंगे, पहले ही शूज पकड़ा रहा मुझे। आओ आओ यहाँ गद्दे में बैठो, आओ इधर आओ, यहाँ आओ, आओ बैठो यहाँ पे। चलो शूज पहनेंगे, शूज भी पहना लिया शिवा को, और सब कुछ हो गया शिवा का काम। लगभग 12:30 हो गए हैं, छोले भी बन गए हैं, तैयार कर दिए मैंने, इसमें रख दिए। कढ़ाई वगैरह धुलूंगी अभी, तो चावल भिगोए हुए हैं तो इनको भी ना रख देती हूँ गैस में बनने के लिए। तो चावल ना बना लिए हैं और सही से हो गए, छोले भी मैंने शिवा को दिए और हो गया। अब बाद में पापा के छत खाओगे, ठीक है। तो शिवा ना बोलने लग गया कुकर से इशारा करके कि दे 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 दे, खा रहा अपने हाथ से खाता है, ता 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 खा लो। अब देखो अमन भर गया ना, अब ऐसे करने लग गया। शिवा सो गया ना, और लगभग 1:30 बज रहा, तो मैंने इसके ना बाम वगैरह लगा लिया अच्छे से विक्स। तो 1:30 ही बज रहा है, तो मैं तो खाना खा लेती हूँ अब, सागर का भी आने का ही टाइम हो रहा है, वैसे मैं खा लेती हूँ। तो चावल बने हुए हैं, छोले बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं घर पे, शिवा तरह पे सो रखा है, समोसे। ये ना वो देगी मौसी, कौन मौसी? अरे वो जस्सू मौसी। जस्सू मौसी, हाँ। किस खुशी में? अरे उसकी उनकी लड़की सगाई हुई ना पूजा की। तो ये डाल रही है अभी खाना। दीजिए खाइए छोले चावल। तो खाते हैं छोले चावल। तो अभी पीते हैं चाय, चाय के साथ है समोसे, चटनी, समोसे, चाय। क्या जब तक रहेगा समोसे में आलू। दिन हो रात हो शिवा को ना बस यही चाहिए ड्रायर। सागर तो गए शॉप पे, तो 3:30 बज गया है, मुंह में डालते गंदी बात होती है ना, ना पता नहीं क्यों यही, इससे क्या करना है। ओहो कहाँ फेंक दिया ये, इसका ना आगे का ढक्कन है बेटा, यहाँ रख लो।
अब बेड वगैरह भी ठीक करना पड़ेगा फिर से, यहाँ नहीं लगेगा यहाँ। लगाओ लगाओ, मम्मा लगाइए, दो दलाओ उसको, दलाओ लग गया। तो अभी ना मैंने मतलब बेड वगैरह ठीक करा, ठीक क्या करा, जो जितनी जिसकी ज़रूरत है वही रखा यहाँ पे, मतलब कि कम्बल की तह लगा ली है और रजाई यहीं पे ये रखी हुई है, क्योंकि अभी मैं सिवा तो फिर से रजाई के अंदर जाएंगे। और ये वाला बिछा दिया, सूख गया था वो कम्बल भी, ये भी बिछा दिया, क्योंकि वो तो गीला वगैरह हुआ नहीं, तो ये बिछा दिया फिलहाल। ये बड़ा सा भी है ना, गर्म भी होता है। और शिवा ने देखो कैसे कर रखा है यहाँ कमरा, तो ऐसे ही कर देता है रूम है। और अभी मैंने क्या करा, मतलब दिन में ये पूरा खाना वगैरह खाली कर देता है, छोले पड़े हैं, मैं थोड़े से चावल पड़े हैं, इनको फ्राई कर दूंगी। और इतने सारे बर्तन हैं अभी, जब चावल वगैरह बनाओ ना तो बर्तन हो ही जाते हैं, तो इतने बर्तन हैं, चाय के वगैरह समोसे वगैरह खाए थे, तो फिलहाल ये तो चावल का मैंने धो दिया था बर्तन। और शिवा मेरी गोदी में है, देखो छींके मार रहा है और हंस रहा है। तो 4:30 बज रहा है अभी, तबीयत खराब बोली नहीं हो रही, नहीं हो रही बोलो, नहीं हो रही, मम्मा को पाल कर ला, नहीं हो रही बोलो, मेरी तबीयत खराब, मैं ठीक हूँ बोला। थोड़ा बहुत जुकाम सा हो जाता है ना बच्चे को, मौसम चेंज हो रहा ना। हाँ मैंने ना विक्स वगैरह डाला इस पे दिन में, तो बाद में उठ करके इसके हाथ में सीधा विक्स की डब्बी आई, उसने बेड के नीचे फेंक दी। सुबह भी मैंने बेड के नीचे से निकाली थी वो। नहीं बेटा यहाँ स्विच के हाथ नहीं लगाते, शिवा ना बहुत गंदे काम करता है, तो मेरा मन करता है ना बेड ही हटा दिया करूँ मैं यहाँ से, वहाँ उधर लगा दूँ, क्योंकि ये बार बार ना स्विच पे ही हाथ हटता रहता है। नहीं नहीं शिवा ऐसे बोलो, नहीं बोलो, नहीं ना हटाने की पड़ेगा ये बेड यहाँ से, हटा दू, हटा दू बेड। बर्तन धुल दिया अभी, जब मैं बर्तन धुल रही थी ना, तो शिवा जो बेड पे कपड़े रखे ना, इनको फेंक रहा था, फिर रख रहा था, फिर फेंक रहा था, फिर रख रहा था, बाद में बोर सा हो गया तो क्या कहा, लाइट बंद, अच्छा मैं लाइट बंद करती हूँ ना, तो बोला लाइट बंद कर दो, कर दो, नहीं फैन वाला नहीं खोल, लाइट वाला बंद करो, हाँ करो करो, लाइट बंद कर दी, चलो बाहर चलते हैं, बैठते हैं बाहर पे। कहाँ जा रहे हो है? पता नीचे जा, ये देखो नीचे जाने की हो रही, यहाँ बैठो, खांस जुकाम हो रहा है, रजाई के अंदर बैठो, चलो चलो बैठो, चलो बैठो, लक्की लक्कू लक्कू, इसे मैं कितनी कोशिश कर रही रजाई में बैठने की, और ये महाराज जी हमारे बैठ ही नहीं रहे। निन्नु वो नहीं, तो अभी बर्तन वगैरह सारे काम हो गए हमारे, कपड़े कुपड़े वगैरह जितना भी काम होता है ना सारे काम हो गए। कपड़े तय लगानी है, वैसे तो बाहर से तो मैं ले आई, वहाँ नहीं छोड़ते, तो देखो क्या कर रहा, तो बैठते आराम करते हैं। छोले बचे हुए हैं, थोड़ा चावल है तो उनको फ्राई करूँगी, फ्राइड राइस मतलब मसाला है तो उससे फ्राई कर लूँगी, पूछ लूँगी सागर क्या करना है, और आटा गूंदना है, छोले छोले मतलब ये टेंशन ख़त्म है सब्जी दाल वगैरह की। तो अभी तो 5 बज रहा है, काफ़ी टाइम है, चाय भी मैंने अभी इन्होंने ये गए थे ना तो इन्होंने बना के मतलब हमको पिला ली थी। ऐसे काम ना सागर में मिलके कर लेते हैं, जैसे चाय वगैरह बना लेते हैं, ये मैगी चाय कॉर्नफ्लैक्स वगैरह मतलब इनको थोड़ा बहुत आ ही जाता है। हाँ रोटी दाल वगैरह ये तो बहुत दूर की बात है, पर जो नॉर्मल होता है ना वो चीज़, जैसे मैं थकी रहती हूँ तो चाय वगैरह बना के दे देते हैं मुझे, और खुद भी पी लेते हैं, और शिव बड़े होके शिवा भी देगा ना हमें, देखो दोगे दोगे वहाँ लगा हुआ है, तो बोल रहा, क्या हुआ क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ सबको, क्या करा आपने, क्या करा
शिवा ने ना उधर ना चाबी फेंक दी वहां, और देखो वहां देखो चादर वगैरह सारी उठा रखी है ऊपर को। क्या करा आपने? क्या क्या वहां क्या क्या वहां बताओ सबको। अच्छा करा, और क्या करा आपने? नो जी देखो नो जी बहने लगे शिवो की। गंदे दो शिवा कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा शिवा की मम्मा का है? ये शिवा की मम्मा कैसी है? कछुए कुछ कुछ अच्छा अब पानी कर दो मम्मा। अभी ना मैं एक खुलचा लेके आ रखी हूँ, यहाँ ना शिवा का मैजिक पैड पड़ा हुआ है जो लिखने वाला जो सागर ने मंगवाया था। शिवा ने दूसरे ही दिन यहाँ बेड के पीछे फेंक दिया, तो अभी मैंने देखा वो ना यहाँ स्कॉटिंग है ना स्कॉटिंग के यहीं पे ही अटका हुआ है, तो मैं देखती हूँ निकाल पाती हूँ कि नहीं निकाल पाती हूँ। इससे तो नहीं निकाला जा रहा, लेकिन ना मुझे लग रहा चिमटे से निकाला जाएगा, तो इसको तो मैं यहीं रख देती हूँ। चिमटा निकालती हूँ, वो मेरे पीछे आने वाला होगा, गैस की स्मेल सी आ रही पता नहीं। ओ देखो मैंने क्या बोलते हैं, मेरे पीछे आने वाला होगा, चलिया नीचे देखती हूँ चिमटा से निकाला जाएगा। तो टोपी नहीं उतारते, ठंडा हो रहा टोपी नहीं उतारते, और ना वो निकला ही नहीं वहाँ से वो मैजिक पैड, और मेरे तो ना थक गई मैं, निकाले नहीं गया चिमटे से, बड़ी वो करी मैंने मशक्कत लेकिन नहीं हुआ, इसने टोपी निकाल दी यार। देख रहे कैसे करा, चिमटा चिमटा दे ही नहीं रहा मेरे पास। थक गई मैं तो भाई, बहुत कोशिश करी मैंने, निकलाई नहीं मुझसे। थोड़ा आराम करते हैं फिर देखेंगे, जोत वगैरह जलाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है। शिवा नहीं नीचे नहीं फेंकना ना, इसको याद देखो याद दो गिराया ना फेंका ना, बिना चिमटे के मम्मी का मामा का काम नहीं होता बेटा। नहीं वहाँ नहीं फेंकना, देख रहा वीडियो में ना, अब फेंकने की कोशिश कर, नहीं फेंकते गंदी बात होती। चलो कैप पहनो अपनी, कैप पहनो, चलो लो। थक गए यार, दे दो तकिया ना नीचे, ऐसे गिरा ना तो उसको ठीक कर रहा, कर दिया मम्मा ने। और देखो शिवा ने क्या करा दिखाओ, ये पिल्लो का कवर ना मैंने हटा दिया, इसने सुसु कर दिया था इधर, यहाँ पे खड़े खड़े ही। कभी बता देता है कि सुसु करवा दो, और कभी क्योंकि अभी तो ध्यान इस पे था चिमटे पे, और कैसे करो गले पे लग जाएगी। चलो इसको रख के आएंगे, चलो पकड़ो आओगे दिया मम्मा के, शिवा रखेगा तो शिवा रखेगा, रखो कहाँ रखना है, कहाँ रखना है यहाँ पर रख दो, चलो बस। अब ना उसको उठना ही उठाएगा, उसने जगह पे रख दिया ना, गुड बॉय बन गए ना, थैंक यू अपने आप को थैंक यू कर रहा। चलो कैप उठाओ, अपनी कैप उठाओ, उठाओ पहनो, चलो पहनो पहनो पहनो, छोटी हो गई जरा सा, चलो दिखा गिल्ली क्यों हो रही, ठीक है गोदी में आना, गोदी में लेती हूँ इसको गोदी में। अच्छा तो मैंने गोदी में ले लिया, उबासी ले रहा, नींद से आ रही, बाहर ना ठंडा हो रहा, हवा चल रही थी बहुत तेज सी, तो फिलहाल तो मैं खोलूंगी नहीं दरवाजा, हवा चल रही बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और हम चलते हैं अंदर, और ये कपड़े संभालने हैं बाद में संभाल लेंगे, और हम खाएंगे बेसन का लड्डू। इसमें ना डब्बे में ना बेसन के लड्डू है, तो मैंने थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ टाइम पहले देखा, तो खाते हैं, वो सगाई हुई थी ना मतलब जानने वाले हैं, तो उनके वहाँ से आई थी, खाएंगे लड्डू, खाओगे खाओगे खाओगे, शिवा को भी खिलाऊंगी खुद भी खा लेती हूँ। तो ये रहे, और एक मैंने निकाल दिया, तो हम दोनों चलते हैं बाहर खा लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं
मैंने तो खा लिया, शिवा खा रहा है। शिवा ना सेम सागर की तरह है, इसकी पसंद वगैरह जैसे पराठे इनको पसंद है, शिवा को भी पसंद है दाल सब्जी, मतलब किसी चीज में वो नहीं करते। और जैसे बेसन का लड्डू भी खा रहे ना तो पसंद है सागर को ना, बेसन का लड्डू पसंद है और एक रसमलाई। इसके अलावा उनको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है और चीज में, बस ये खा लेते हैं मिठाई में ना, और चीज ज्यादा पसंद नहीं है इनको। रसमलाई भी मतलब ठीक है, पर बेसन का लड्डू पसंद है इनको, तो शिवा भी खा रहा है। तो इनकी ना बहुत चीजें पसंद ना मिलती जुलती है। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। ठीक है, बेसन का लड्डू जुकाम वगैरह में भी ठीक रहता है, मतलब बेसन सही रहता है ना। बस अब मैं इसको ना, एक तो सीरा वगैरह भी सही रहता है जुकाम में बेसन का, लेकिन ये इतना वो है ना, ये खाता ही नहीं है सीरा। देख रहा हूँ अपने आप को। खा लो, चलो खाओ, कटोरी रखो ऐसे करके। मैं खिला रही ना, मेरे हाथ से नहीं खाना, खुद खाना है। खेलने लग गया। हाँ ये खा लो। ने विक्स कहाँ डाली, कहाँ फेंकी हुई है विक्स? ऊ कहाँ फेंकी? अरे अरे शिवा ने ना कहाँ फेंकी विक्स? हाँ देख रहे, पता है उसको, उसने कहाँ फेंकी? हाथ ऐसे ठंडे ठंडे हो रहे बेटा, यहाँ नीचे फेंकी हुई है ना। अब ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि रात को अच्छी होगी। अभी तो फिलहाल थोड़ा मतलब बेहतर है, ठीक है, पर रात वगैरह रख लेना, तैयारी कर लेनी चाहिए अपने लिए। कैसे निकालूँ, कहाँ पहले झाड़ू निकालना पड़ेगा, देखेंगे हम, देखेंगे हम, है ना शिवा? मेरे तो ऐसे ही काम रहते हैं। नहीं मैं देख रही वो है, देखो तो ये रहा, मिल गया। अब तो मैं इसके पास दूंगी नहीं इसको, मिल गया, मिल गया ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू। नहीं वो नहीं लेते, चलो हम चले अंदर चले। तो अच्छा तरीका है, सामान ना मिले तो फर्श पे लेट जाओ। उधर आंसू आ गए मेरे मुंह में ना, इसका आंसू आंसू आ गए एकदम से। अच्छा तरीका बेटा, फर्श पे लेट जाओ। अभी ना 7 बज गया, ये बोल रहा मुझे अंदर खेलना है। मैं सोच रही जितना बिस्तर में रहे ना बेड पे उतना ठीक रहेगा, फिर जुकाम जुकाम सा हो रहा है ना। चलो 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 खेली करेंगे, खेली करेंगे, ये कभी एक जगह पे बैठता नहीं। ओ चलो चलो चलो, हाँ जा रहे जा रहे, हाथ से कैसे इशारा कर रहा है अंदर के लिए। जा रहे जा रहे। कपड़े क्यों हटा रहे हो? अभी मैंने कपड़ों की तह भी नहीं लगाई, क्यों हटा रहे हो? मैंने सोचा पहले, सबसे पहले ना जोत जला लूँ, क्योंकि 7 बज गया है, जोत नहीं जलाई थी, इसी को लेके बैठी रही मैं। और ये ना कपड़े उठाएगा, सारे कपड़े फेंकेगा नीचे। जोत जलाई, वहाँ जलाई, तो बर्तन भी लगाती हो और आटा भी गूंदना है। थोड़ा सा आटा है तो थोड़ा सा गूंदना है। तो मैंने ना आटा वगैरह गूंदा, थोड़ा सा पड़ा था, थोड़ा सा गूंद दिया। और शिवा कहाँ हो आप? शिवा अपनी नोजी साफ कैसे करते हो, कैसे करते हो अपनी नोजी साफ? शिवा की नोजी आ रही ना, तो शिवा पता क्या कर रहा है, यहाँ देखो ऐसे करके मैं नोजी साफ कर रहा जबकि मैंने नहीं पहुंचा है इसमें टावल में ना, मैंने तो इसका हैंकी रखा हुआ है। पूछे छाप कर लो अपनी नोजी, अच्छे अच्छा मुझे गुजरी। चलो टोपी पहनो, चलो कैप पहनो, ये पहनो, भाग रहा देखो नोजी साफ कर रहा। तो आज ना यहाँ वाली जगह खाली हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ का बेड लगा दिया है यहाँ पे, जैसे पहले था ना, क्योंकि शिवा की ना बहुत गंदी आदत हो रही है आजकल, कुछ भी चार्जर ले जा करके इन पे, मतलब यहाँ पे खड़े होके ना इनके अंदर डालने की, तो किसी टाइम पे तो क्या पता ध्यान धोना रहे हमारा। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं, पर कभी कभी ना दिक्कत रहती है। वैसे तो इन पे ना वो लगे हुए हैं अंदर से, लेकिन बच्चे की उंगली छोटी होती है ना,
तो डर रहता है, तो इसलिए मैंने हटा ही दिया। मैंने कहा छोड़ो, टेंशन ही ख़त्म कर देती हूँ। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता है खड़ा ना इसके ऊपर ऐसे करके। और यहाँ पे मैंने ये टेप लगा लिया। ये वाले ना ख़राब हो रखे हैं बोर्ड, तो यहाँ पे हम ना कुछ यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया। यहाँ वो ज़्यादा खड़ा नहीं होता ना, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो उसको लगता है कि यहाँ पे यूज मतलब कुछ यूज का नहीं है। लेकिन हम वहाँ पे ना चार्जर वगैरह लगाते ही थे, तो इसलिए शिवा के साथ बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे, तो मैंने हटा दिया बेड। मैंने कहा पहले बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर और चीज़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगा दिया। क्या करा आपने, क्यों खोला, क्यों हटाया भाई चार्जर, क्यों? इतने से ना चावल बचे हुए हैं, तो मैं वो सागर का ना क्या कहो, क्या हुआ? तो सागर का ना कल फ्राइड राइस खाने का मन हो रहा था कि बनाना, तो दिन में तो मैंने सिंपल से चावल बनाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं ये बना रही हूँ आप पर। ये देखो थोड़ा सा ना कह, अब ना ऐसे जीत कर रहा आज। हाँ ये क्या आपके काम का थोड़ना है, ये चाहिए किसको, मम्मा बनाएगी बेटा फ्राइड राइस, खाओगे आप पापा? नहीं, इसको तो नहीं देना, ठंडा होता ना, सिर्फ सागर ही सागर के लिए करूँगी, मैं भी नहीं खाऊँगी, क्योंकि शिवा रात को फीड करता है ना, तो इन्हीं के लिए बनाऊँगी बस। मतलब इतने से बहुत है इनके लिए, थोड़ी सी रोटी बना दूँगी। छोले मैंने इसमें डाल दिए, तो ओवन में गर्म कर लेंगे क्या? हाँ दे दो, मम्मा को दे दो, कह दे दो, पैकेट दे दो, दे दो, थैंक यू शिवा, नहीं थैंक यू, दो दो, कुछ और कुछ और कुछ और से ना मनाती हूँ इसको। शिवा शिवा कोई, अच्छा देखो देखो टाइम कितना हो रहा, 6:08 हो गया, पापा आने वाले हैं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आता है। क्या तो मखाने दो, मखाने खाने इसको, मखाना अच्छा लगता है शिवा को। अच्छा अच्छा देरी 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 देरी, मैंने ना इसमें घर थोड़ा बहुत इसमें रखे रहता है सामने पे, सामने पे रख के ना ये चीज़ें ना खाने की याद भी रहती है। लो शिवा को बड़े अच्छे लगते हैं ये। आपका घोड़ा क्या कर रहा है, इसको ऐसे पटाना पड़ेगा, क्या करो, घोड़ा क्या कर रहा है आपका, घोड़े को नहीं खिलाया आपने आज, घोड़े को खिलाया नहीं, देखो देखो जाएगा घोड़े के पास। तो फ्राइड राइस ना मैंने बना लिए हैं, और रोटी बना लेती हूँ दो चार। हेलो दोस्तों, अभी आ गया मैं घर पे, बज रहे करीबन 9। ये बेड वेड सही कर रही है शिवा अपना यहाँ पे, क्या कर रहे हो? तो शिवा तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, इसने ना ये बेड फिर से चेंज कर दिया इधर। वो कर रहा था वहाँ। अच्छा, इसमें हाथ डाल रहा होगा ना, यहाँ चढ़ जाता ना इसके ऊपर बेड के ऊपर, तो हाथ डाल रहा होगा इसमें, इसने फिर इधर कर दिया है बेड, सही कर रहा है वैसे। ये देखो शिवा, शिवा क्या कर रहे हो, ये टोपी कहाँ है? शिवा टोपी पहनो, टोपी कहाँ है, बाहर जाना है? 100 बार पहना होगी टोपी। तो ये हमने मंगाई है सेल्फी स्टिक, क्योंकि हमारी पहले वाली स्टिक से जो वो शिवा ने तोड़ दी थी, तो ये आज ही आई है। ये मंगाई है MI की, ये पड़ी है 1199 की, अच्छी है वैसे, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। और इसमें ब्लूटूथ का बटन भी दे रखा है ये वाला, इससे ये चार्ज हो जाएगा, फिर कैप्चर वैप्चर इसी से हो जाता है, पर ये है कि ठीक है, अच्छी है, और ये चार्ज होता है। तो वैसे सेल्फी स्टिक से ना मतलब ये है कि दूर का मतलब वो व्यू वाइड एंगल हो जाता है इसमें, अच्छा है वैसे सेल्फी स्टिक से, पर यह है कि अभी हमने 2-3 बार मंगा ली सेल्फी स्टिक, ये तीसरी सेल्फी स्टिक है, क्योंकि शिवा ना तोड़ देता है, फिर दोबारा मंगानी पड़ती है। अभी देखो क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, खाता हूँ खाना।
सही हो रहा है पकड़ने में ना, ठीक हो रहा है इसमें ना मोबाइल को, वैसे ना सेल्फी स्टिक में ये तोड़ देता है ना बार बार, हाँ ना अच्छे से। वो हिल रही थी, वो क्या हो रही थी, इसे तोड़ दी थी ना तब हिल रही थी। इसे तोड़ दी ना, तोड़ देता है। हाथ मत लगाना शिवाक्ष भारती। पूरी उतारने के था, हटा इसको, छुपा दे, छुपा दे। हिल रहा ना वो, उसमें सब मेरे पे फोकस हो रहा है यार, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी फिर। दूध रख ना बॉयल होने के लिए, खाना नहीं खा रहे अभी। मेरे तो ये हो रहा कि ना कब मैं बेड पे चले जाऊं। अरे छोले वोले खाए थे ना दिन में, तो अजीब सा हो रहा फिर मैंने। थोड़ा तबियत वैसी है ना, खा ले थोड़ी देर में। क्योंकि मैंने ना गैस का कैप्सूल खाया था, तो उसके आधे घंटे बाद खाते खाना, तो थोड़ा छोले खाए थे दिन में, तो थोड़ा ऐसा ही हो रहा था। आधे घंटे बाद खाता हूँ खाना, तभी तो मैं इसको बोलती तू भी लहसुन खाया कर। सच में मेरे जा रहा हूँ। तो अब ये खा रही है खाना, खाने में है छोले और रोटी। और शिवा ना यहाँ से छोला ले गया और घोड़े को खिला रहा। कैसे खिला रहा था घोड़े को? ओढ़ लेने जा रहा। अब बोल रहा ना कि खुद खाएगा है शिवा। जोत भी जला दी थी इसने। अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा खाना भाई। तो खाना तो खा लिया मैंने भी, और शिवा का, शिवा से ना मैं ऐसे काम कराता हूँ, जाओ मम्मा को दे के आओ। मैंने इसको प्लेट पकड़ा दी और ये ना अब वहाँ सिंक में ही रखने जाएगा। जाओ सिंक में रख के आओ, सिंक में जाओ शिवा। देख देखिए जरा से, थैंक यू तो बोल दे उसे। लो चलो मम्मा को दिखाओ, सिंक पे ही रख दो इसको, तो जाके जाओ जाओ। पकड़ा उसके हाथ में, पकड़ा ना गिर जाएगी। नहीं पकड़ा उसके हाथ में, रखो नहीं पाता ना। हाँ रखो, आ जाए इधर। हाँ थैंक यू करता हूँ, जल्दी आ इधर आओ। थैंक यू। तो खाना तो हो गया है, अभी मैं बना रहा हूँ फिलहाल चाय, तो बन ही गई है बस, थोड़ा कम कर देते हैं इसको। शिवू क्या कर रहे हो भाई? बता रहा हूँ। तो शिवा तो यहाँ पे अपना कर रहा है दंगा मस्ती, और ऐसा रहा आज का दिन। कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।